मतलब हो के बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं कोरोना को। काफी राउंड बनते थे 6-7-8 जगहों को ठेक के, फिर तो हम पूरी साल खर्चा चला लेते। अब खर्चे की हम लोगों को परेशान नहीं हो रही है बहुत ज्यादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूँ आपके साथ राहुल शुक्ला। देश भर में दशहरे का त्योहार बेहद ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन रावण का दहन किया जाता है और कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। और इसके साथ ही देश भर में माना जाता है कि अधर्म पर धर्म की जीत होती है, असत्य पर सत्य की जीत होती है। ऐसे में मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो रामलीला में रावण बनाने का कार्य करते हैं। आइए बात करते हैं अनवर अहमद से कि अनवर अहमद किस तरीके से रावण बनाते हैं और ये कब से रावण बना रहे हैं। अनवर भाई, सबसे पहले ये बताइए कि आप कब से रावण बना रहे हैं और किस तरीके से आखिरकार ये जो 10 दिन होता है तो क्या ये एक एक दिन करके रावण बनाया जाता है या कैसे? ये हम लोग एक महीने पहले आते हैं रावण बनाने के लिए। एक महीने पहले रावण बना, हमारे दादलाई काम है, पुस्तनी काम है और हमारे यही काम है जी। हम 6-7 ठेके ले लेते हैं, उसको बनाते हैं। अभी पिछले साल नहीं बना, उसमें हम लोगों को बहुत परेशानी हुई है। अन्य हमारा साल भर का यही कारोबार है, यही बिजनेस है। हम 5-7 ठेके बनाते हैं और अपना अपना और कोई नहीं। थोड़ा बहुत आतिशबाजी का काम था, वो गवर्नमेंट ने बिल्कुल अलाउड नहीं है, बंद कर दिया। तो इसलिए अपना जो भी है अपना मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, सिंगर अपना खर्चा चला रहे हैं। कब से रावण बना रहे हैं, कितने साल हो गए, कितना तजुर्बा है आपके पास रावण बनाने का? ये तो हमारे दादला काम है, हमें 40 साल हो गए रावण बनाते बनाते जी। हाँ जी, यानी कि पिछले 40 साल से रावण बनाने का काम कर रहे हैं। आपका नाम अनवर है और आप हिंदू धर्म का ये जो रामलीला होती है और ऐसे में यहाँ पर रावण बनाते हैं, कुंभकर्ण बनाते हैं, मेघनाथ को बनाते हैं। अक्सर देखा जाता है और पिछले कुछ समय से अक्सर देखा जा रहा है कि कई जगहों पर यूपी में कि जो मुस्लिम व्यक्ति होते हैं जो रावण बनाने का कार्य करते हैं उनसे कहा जाता है कि उनसे रावण नहीं बनाया जाएगा। आप बता रहे हैं कि आपको 40 साल हो गए हैं, क्या आपके साथ इस तरीके की कभी कोई घटना घटी हो, क्या कि इस तरीके की कोई परेशानी आई हो? क्योंकि इसको कुछ लोग हिंदू मुस्लिम का भी दर्जा देते हैं क्योंकि कहते हैं कि मुसलमान से रावण नहीं बनवाया जाएगा, क्या आपके साथ कभी कोई समस्या खड़ी हुई? हमारे साथ कोई समस्या ऐसी आज तक नहीं हुई। हम तो जितने भी रामलीला करते हैं सब रामलीला वाले हमारे जो कमेटी के अध्यक्ष हैं वो सब मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, हमारे तो कोई भेदभाव नहीं आज तक भी, और काफी प्यार से मना रहे हैं और बनाते आ रहे हैं। 20-20, 30-30 साल हो गए एक एक जगह ठेक के मनाते हैं। यहाँ पे भी ग्रेटर नोएडा डी ब्लॉक में सेक्टर 62 में 10 साल हो गए रावण मनाते हुए। बाकी कई जगहों के रावण बना रहे, पिछले साल नहीं बने थे, अब कभी नहीं बने। बाकी हमारे जो काम है अगले साल फिर मिलेगा हमें सारे काम, उसी में हम लोग खर्चा चलाते हैं अपना। अक्सर ये देखा जाता है कि रावण जो होते हैं वो रावण के जो पुतले बनते हैं, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, वो 3 पुतले बनाए जाते हैं, लेकिन इस बार आपने 4 पुतले बनाए हैं। 4 पुतले, ये चौथा किसका है, चौथा पुतला किस लिए बनाया गया है? क्योंकि वैसे भी जिक्र होता है कि 3 ही पुतले फूके जाते हैं, लेकिन ये चौथा पुतला किस लिए? सर ये एक रावण का है, मेघनाथ, कुंभकर्ण, एक कोविड का है, एक कोरोना का पुतला फूक रहे हैं। कोई पूरे देश ने मेहनत करी है कोरोना को भगाने के लिए, इसलिए अब उसकी इसके कोरोना का पुतला फूक के बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं कोरोना को जी। अच्छा, मतलब इस बार आप कोविड का ये जो कोरोना का एक पुतला आपने बना रखा है इसके साथ ही कोरोना को भी स्वाहा किया जाएगा। ये बताइए कि जैसा कि अभी मैंने आपसे पूछा था कि 40 साल से आप काम कर रहे हैं, 40 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से ये दशहरा बीत जाएगा और अब ये जो पूरा साल रहेगा, ऐसे में आप साल भर के बाद क्या दशहरे पर ही ये आपको काम मिलता है, इसके बाद अपना घर खर्च कैसे चलाते हैं? सब दशहरे में इसमें से ही अपना खर्च चलाते हैं। अभी तो कोई काम है ही नहीं फिलहाल, तो जब से कोरोना चला थोड़ा बहुत ही कहते हैं कुछ कर लग रहे थे, बाकी परेशानी चल रही है खाने पीने खर्चे की, सब चीज़ की कुछ भी नहीं है। अभी दशहरा मिल गया जो अपना खर्चा चलेगा 2-4 महीने का, इसमें अपना दाल रोटी अपना खा जाएंगे। बाकी जब काफ़ी रावण बनते थे 6-7-8 जगहों को ठेक के, फिर तो हम पूरी साल खर्चा चला लेते। अब खर्चे की हम लोगों को परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो ये अनवर अहमद हैं, अनवर अहमद का कहना है कि जिस तरीके से अगर इनके पास काम दशहरे में ज्यादा आ जाता है तो इनका साल भर आसानी से खर्च चल जाता है
परिवार का जो रोजमर्रा के खर्चे हैं वो भी आसानी से चल जाते हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं इनके पास काम की भी कमी है और ऐसे में जो साल भर का खर्चा होता है, क्योंकि इनका कहना है कि दशहरे के बाद ये कोई काम नहीं करते, जो 10 दिन की कमाई होती है साल भर की, इसी के भरोसे ये साल भर अपना गुजारा बसर करते हैं। इसके साथ ही साथ इस बार अनवर अहमद ने 3 जो पुतले बनाए हैं, इसके साथ साथ ये अब कोरोना का भी पुतला स्वाहा कर रहे हैं। नोएडा से कैमरामैन आसिफ के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज। पुतला भूख का बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं कोरोना को। काफी राउंड बनते थे, 6-7-8 जगहों को ठेक के फिर हम पूरी साल खर्चा चला लेते, अब खर्चे की हम लोगों को परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा।